हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। वी विल स्टार्ट विद एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर पेस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दिस इज योर लास्ट वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड एंड इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, एंड लास्ट टॉपिक इज नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, एंड फाइनली वी गॉट कंक्लूजन। सो चिल्ड्रेन, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। इन दिस टॉपिक द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। तो आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, उसमें आपने पढ़ा था कि 1885 तक जो है जो इंटरनेशनल कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई थी, कुछ बाउंड्रीज जो है वो ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल पीरियड में बना दी गई थी, जिसमें ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंजानिया के नाम से वो बाउंड्री बना गई। अब उन बाउंड्री का इफेक्ट ये हुआ कि ये जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थी या जो मसाइज थे, ये लोग जो हैं, ये उन अपने अपने रीजन को छोड़ के, अपने एरिया को छोड़ के वाइट्स के रीजन में या वाइट एरिया में एंटर नहीं कर सकते थे। अब ये जो बॉर्डर्स थे, ये इनका क्या इम्पैक्ट था? तो टिल द 19th सेंचुरी अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट कुड मूव ओवर वास्ट एरिया इन सर्च ऑफ पॉस्चर्स। व्हेन द पॉस्चर्स वाज एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस, दे मूव टू डिफरेंट एरिया टू ग्रेज देयर कैटल। तो आपने पढ़ा कि 19th सेंचुरी तक लगभग ऐसा था कि जो अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट थे या जो मसाइज, जिन कम्युनिटी को हम पढ़ रहे हैं, उनका जो वर्क था वो इस तरह था कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और जो ग्रेजिंग लैंड थे, वो जब एक जगह के ग्रेजिंग लैंड जो है वो ख़त्म हो जाते थे, कम हो जाते थे, तो ये दूसरे ग्रेजिंग लैंड पर मूव कर जाते थे, ताकि जो पिछला वाला ग्रेजिंग लैंड है वो रीग्रो कर सके, वहाँ का वेजिटेशन और ग्रास रीग्रो कर सके। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी ख़त्म होने या लेट 19th सेंचुरी तक जो है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन इम्पोजिंग वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मोबिलिटी ऑफ द पेस्टोरलिस्ट नोमैड्स। वहाँ 19th सेंचुरी के एंड तक जो है, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इन पेस्टोरलिस्ट नोमैड्स पे लगाने स्टार्ट किए। अब ये आपने पढ़ा होगा, इससे पहले जब हम इंडियन नोमैड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उन पर भी लगाए गए थे। लेकिन इन मसाई कम्युनिटी पे कौन से रिस्ट्रिक्शंस थे, उसको समझ लीजिए। द पेस्टोरल ग्रुप वर ऑल्सो फोर्स टू लिव विद इन द कन्फाइन ऑफ स्पेस रिजर्व्स। उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो एक फिक्स एरिया में ही रहें, अपनी बाउंड्रीज और अपने रिजर्व लिमिट को छोड़ करके वो कहीं इधर उधर मूव ना करें। द बाउंड्रीज ऑफ दीज रिजर्व्स बिकम अ लिमिट विद इन विच दे कुड नॉट मूव। इनके मूवमेंट पर कंट्रोल किया जाने लगा। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर एनिमल्स विदाउट स्पेशल परमिट। साथ ही साथ इनको ये भी कह दिया गया कि आप बिना परमिट के आप जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते अपने एनिमल्स के साथ। साथ ही साथ जो परमिट इन्हें दिया जाता था, उसमें भी इन्हें बहुत ज़्यादा हैरेस किया जाता था, इनका हैरेसमेंट होता था, बहुत मुश्किल से वो परमिट जो है इन्हें मिलता था। दोज फाउंड गिल्ट ऑफ डिसओबेइंग द रूल वर सेवरली पनिश्ड। और उसमें भी क्या होता था कि अगर किसी को ऐसा पाया गया कि उसने कोई रूल तोड़ा है या डिसओबे किया है या नहीं माना है, तो उसको पनिश भी किया जाता था। द पेस्टोरल कम्युनिटीज वर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड, दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट इन वाइट एरियाज। इसके अलावा पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जो थी, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो कभी भी वाइट एरियाज़ जो कॉलोनियल या जो ब्रिटिशर्स का जो एरिया था, उस एरिया में इनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, उसमें पूरी तरह से इनका जाना मना था, तो वो वहाँ भी नहीं जा सकते थे। इन मैनी रीजन्स दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड वाइट सेटलर्स। इसके साथ ही साथ अब इस पे इनका इफेक्ट जो पड़ा वो ये था कि अब ये ट्रेड वगैरह भी नहीं कर सकते थे, अपने एनिमल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ जो वाइट सेटलर्स थे या जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया कि इनके लिए और भी इनके जो कॉन्टैक्ट थे उसको मिनिमाइज़ करना शुरू किया, ताकि ये लोग ट्रेड ना कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और सेटलमेंट्स वो खुद चाहते थे। अब ये सारी चीज़ें थी, ये धीरे 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 इनको प्रॉब्लम होने लगी, इनके कैटल्स के लिए प्रॉब्लम होने लगी, तो इनके एनिमल्स जो है वो कम होने शुरू किए। वाइट्स क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि जो वहाँ पे जो डग है, माइन है, रोड वगैरह बिल्ड किए जा रहे हैं, टाउन्स बनाए जा रहे हैं, इसमें उनको काम करने के लिए, एज अ लेबर वर्क करने के लिए फोर्स किया जाए। इसके अलावा अब ये सारी जो चीज़ें थीं, ये जो बॉर्डर्स बना दिए गए थे या जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, साथ ही साथ जो परमिट वगैरह इन्हें लेना पड़ता था, इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि इनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी उस पर, या ये जो ट्रेड करते थे, ये जो मार्केट करते थे, उस पर इसका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ने लगा।
उस पर इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो गई, तो ये एक एडवर्स इफेक्ट जो है ये देखने में आने लगी। अर्ली पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली लुकड आफ्टर एनिमल हर्डर्स पर ट्रेड इन वेरियस प्रोडक्ट्स, साथ में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी है कि ये जो है एनिमल हर्डर के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल भी करते थे, सेल करते थे, जैसे एनिमल्स से पाए जाने वाले उनका स्किन हो गया, वूल हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, वुलन प्रोडक्ट्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो ये ट्रेड करते थे जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड थी। द रिस्ट्रिक्शन अंडर कॉलोनियल रूल डिड नॉट इंटायर स्टॉप देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बट दे वर नाउ सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। कॉलोनियल रूल ने इनके ट्रेड को स्टॉप नहीं किया, ट्रेडिंग एक्टिविटी को नहीं रोका, उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि ऑटोमेटिक वो जो ट्रेड था वो ऑटोमेटिक जो है कम होना शुरू हो गया। इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम ये पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी या मसाई कम्युनिटी को फेस करनी पड़ी थी, और वो था इनका पॉस्चर लैंड का ड्राई हो जाना, या फिर दूसरा हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे तो आप इसको समझेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, सूखा पड़ जाना। अफ्रीका जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वेरी बहुत ज़्यादा लेस रेनफॉल होता है, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा कि 25 सेंटीमीटर वहाँ पे मिनिमम रेनफॉल जो है वो होता है, तो ड्रॉट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट एवरीवेयर। और ये लगभग 1930 के आसपास की बात है कि ड्रॉट जो है, ड्रॉट के सूखे की वजह से पेस्टोरलिस्ट की लाइफ जो है वो बहुत इफेक्ट हुई थी। When rain fails, pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to area where forest is available. अब जब रेन जो है, रेनफॉल नहीं हो रही थी, तो जितना भी पास्चर लैंड था, जितना भी चारागाह था, वो सब ड्राई हो गया, वो सब सूख गया। जो कैटल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुराक की तलाश में, अपने खाने की तलाश में इधर से उधर मूव कर रहे थे, घूम रहे थे। दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली पेस्टोरलिस्ट आर नोमैडिक, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो पेस्टोरलिस्ट थे वो एक जगह से दूसरी जगह अपने कैटल्स के साथ मूव कर रहे थे, घूम रहे थे, पर चूंकि ड्रॉट था, पूरी तरह से सूखा पड़ गया था, अब ये एक ऐसा टाइम था जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस ये फेस कर रहे थे। सबसे ज़्यादा इनका बैड टाइम हम इसको मानते हैं, क्योंकि उस समय इनके बहुत ज़्यादा कैटल्स जो हैं वो भूख की वजह से मर गए थे, डेड हो गए थे। बट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड द मसाई वर बाउंड डाउन अ फिक्स एरिया कन्फाइंड विद इन अ रिजर्व। इसके अलावा प्रॉब्लम ये थी कि कॉलोनियल पीरियड में मसाईज को एक फिक्स्ड एरिया में बाउंड कर दिया गया था, बांध दिया गया था, वो उस एरिया से निकल के दूसरे एरिया में नहीं जा सकते थे, एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ पास्चर। उसके साथ ही साथ उन्हें रोक दिया गया था इधर उधर पास्चर की तलाश में घूमने से। दे वर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड। साथ ही साथ आपने पढ़ा है कि वो उनका जो ग्रेजिंग लैंड था उसे कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो अब वो भी उनके रीजन में नहीं था। जहाँ पे ये रह रहे थे वो सेमी एरिड टैक्ट प्रोन एरिया था, यानी वहाँ पे पहले से ही वो एरिड रीजन था, वहाँ पे वेजिटेशन जैसे बहुत कम कुछ मिलने वाली चीज़ें थी, तो वो ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। अब इसकी वजह से जो हुआ इनके साथ, तो प्रॉब्लम ये हुई कि दे कुड नॉट शिफ्ट देयर कैटल टू प्लेस वेयर पॉस्चर वर अवेलेबल। ये अपने कैटल्स को जो है जहाँ पे ग्रेजिंग लैंड था वहाँ तक नहीं ले जा पाए। लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल डेड ऑफ स्टार्वेशन एंड डिजीज इन दीज ईयर्स ऑफ ड्रॉट। तो जिस टाइम पर ये सूखा पड़ा था, ड्रॉट हुआ था, उस टाइम पर जो है बहुत सारे मसाईज के जो कैटल्स थे वो भूख की वजह से और बीमारी की वजह से मर गए। एक इंक्वायरी हुई थी 1930 में जिसमें मसाईज जो केन्या के मसाईज थे वहाँ पर पाया गया था कि 720,000 कैटल्स, 820,000 ships और 171,000 donkeys जो हैं, इतने तो उस 1930 में ये एक इंक्वायरी में आया था, रिपोर्ट आई थी कि इतने लोग, इतने एनिमल्स मारे गए थे। इन जस्ट टू ईयर्स ऑफ सेवर ड्रॉट 1932 to 34, उस इस टाइम पर भी ओवर हाफ ऑफ द कैटल इन द मसाई रिजर्व डेड। तो टोटल जो कैटल थे उसका आधे से ज़्यादा जो एनिमल्स थे वो मर चुके थे 1934 तक। एज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड श्रैंक, जैसे जैसे ये ग्रेजिंग लैंड जो था वो धीरे धीरे श्रैंक होने शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, इनका जो काम था, इन मसाईज ग्रुप का जो एनिमल या कैटल हर्डर्स थे, इनका ये काम भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। और साथ ही साथ इस ये ड्रॉट ने जो है इस पर एक और एडवर्स इफेक्ट डाला। इसके बाद फ्रीक्वेंटली धीरे धीरे जो है एनिमल्स का जो स्टॉक था इन पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के पास वो ख़त्म होना शुरू हो गया। नाउ द लास्ट टॉपिक इज, नाउ ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। इसमें हम देखते हैं कि सारे जो मसाई ग्रुप थे
वो इक्वली अफेक्ट नहीं हुए थे. इनका एक रहन सहन का जो फॉर्म था वो किस तरीके का था. द कोलोनियल रूल हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन मोस्ट ऑफ द पैस्टरलिस्ट्स बट देयर वर सम कम्युनिटीज़ विच बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस. अब ये जो पैस्टरलिस्ट कम्युनिटीज़ थी ये इन सब के ऊपर अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट पड़ा था कॉलोनियल रूल का, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ थी जिनको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ था. अब मसाई कम्युनिटी जो थी अगर हम स्पेशली पढ़ें तो उस टाइम पर प्री कॉलोनियल टाइम, कॉलोनियल के आने से पहले जो मसाई कम्युनिटी थी उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया था. दो सोशल कैटेगरीज थी जिनको एल्डर एंड वॉरियर्स के नाम से जाना जाता था. एल्डर्स जो थे, एल्डर्स वो थे जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी, उन्हें एल्डर्स कहते थे. तो एल्डर वो लोग थे, द एल्डर्स वर रूलिंग ग्रुप, और इनके ये रिचुअल्स भी थे. तो जो एल्डर्स थे वो क्या करते थे कि जो ग्रुप था, जो इनकी कम्युनिटी थी, उसको देखने का काम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. दीज ग्रुप वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग अफेयर्स ऑफ कम्युनिटीज़. तो क्या करना है, ग्रुप को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एल्डर्स की थी. दूसरा जो जो ग्रुप था या दूसरी जो कैटेगरी थी वो वॉरियर्स की थी. द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंगर पीपल. वॉरियर्स के अंदर जितने भी यंगस्टर्स थे, यंगर थे, वो लोग आते थे. अब इनका काम क्या था, द मेन फंक्शन ऑफ द वॉरियर्स वॉज टू प्रोटेक्ट द ट्राइब फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स. इनका काम था ये अपने ग्रुप को एक्सटर्नल यानी बाहरी जो डेंजर थे उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते थे. साथ ही साथ जो कैटल थे सोसाइटी में उनको उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी रेडिंग वगैरह करने का काम करते थे. पैश्चर ग्रुप और मेन लाइननेस जो है इनको प्रूव करते थे. इन सब का देखभाल करना, जितना भी फिजिकल जो वर्क था वो वॉरियर्स करते थे. अब इसमें कैसे इन लोगों ने इनको किस तरह से चेंज किया गया. विद द अराइवल ऑफ द आउटसाइडर्स मैनी थिंग्स चेंज. लेकिन जब बाहरी ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल रूल आया या बाहरी लोग अंदर आए, तब इसमें क्या चेंजेस आए. ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ मेजर दैट हैड इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस. दे इम्पोज वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडिंग एंड वारफेयर. अब जब ब्रिटिश इंडिया में आए, ब्रिटिश जो है अफ्रीका में आए, तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे इम्प्लीकेशंस तैयार किए, जिसमें इन्होंने कई सारे रिस्ट्रिक्शन, जिसमें रेडिंग और वारफेयर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया. इन्होंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर मसाई ग्रुप के लिए नए चीफ अपॉइंट करने शुरू कर दिए. और ये चीफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो भी अफेयर्स होंगे ट्राइबल्स के, उन सब की देखभाल करना. द चीफ अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफन एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम. और साथ में इन्हें उससे प्रॉफिट भी होने लगा. ये चीफ जो अपॉइंट किए जाते थे इनको टाइम टू टाइम जो है वेल्थ भी प्रोवाइड किया जाता था, इनको मिलता था और ये काफ़ी उसमें काम भी करते थे. मोस्ट ऑफ देम वर बीइंग पेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. इसमें से कई सारे ऐसे भी थे, कई सारे ऐसे चीफ भी थे जिन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट पे भी करता था, यानी सैलरी वगैरह भी देता था, उनकी इनकम रेगुलर होती रहती थी. नाउ दे वर इंजॉइंग पेस्ट्रल एंड नॉन पेस्ट्रल इनकम. अब उन्हें दो तरफ से फ़ायदा होने लगा. एक तो उन्हें पेस्ट्रल इनकम भी मिलने लगा, यानी कम्युनिटी से जो इनकम होती थी वो भी मिल रही थी. दूसरी जो है जो कॉलोनियल गवर्नमेंट उनको सैलरी देती थी या पे करती थी वो भी इनकम हो रही थी. तो दे यूज़ टू लेंड मनी टू द पुअर हु नीडेड टू पे टैक्सेस. अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, इन लोगों ने उन पुअर्स को डोमिनेट करना स्टार्ट किया जिन्हें टैक्स भरने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी. ये उनके ज़मीन खरीद के उन्हें पैसे दे दिया करते थे. अब ये जो चीफ थे इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने इस पेस्ट्रल या मसाई कम्युनिटी को डोमिनेट करना स्टार्ट किया. तो इस तरह से आपने पढ़ा कि ये पूरा जो लाइफ थी जो अफ्रीकन पेस्ट्रलिस्ट की, वो भी इंडियन पेस्ट्रलिस्ट की लाइफ से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी. इट वॉज द पुअर पेस्ट्रलिस्ट हु सफर द मोस्ट. इसमें जो सबसे पुअर लोग थे वही सबसे ज़्यादा सफ़र किए, चाहे वो इंडियन पेस्ट्रलिस्ट हो चाहे वो अफ्रीकन पेस्ट्रलिस्ट हो. मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिड नॉट हैव द रिसोर्स टू टाइड ओवर बैड टाइम. दे वर बींग हैरस्ड बाई देयर ओन कम्युनिटी एज वेल बाई द आउटसाइडर. कभी कभी ये भी हुआ कि जो बहुत ही कमज़ोर थे, जो बहुत ही पुअर थे, वो अपनी कम्युनिटी द्वारा भी हैरस किए गए और आउटसाइडर्स यानी कॉलोनियल्स के द्वारा भी उन्हें हैरस किया गया. दे यूज टू टेक लोन बट एज देर वॉज नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम दे वर फोर्स टू सेल देयर एनिमल्स. जब वो लोन लेते थे तो उनकी मजबूरी हो जाती थी, या तो वो अपनी ज़मीनें बेचें या अपने एनिमल्स को सेल करें. तो ओवरऑल मिला करके दोनों ही इसमें आपने पढ़ा कि इंडिया में भी जो पेस्ट्रल या नोमैड्स की कम्युनिटी थी और अफ्रीका में भी जो पेस्ट्रल नोमैड्स की कम्युनिटी थी, दोनों के साथ जो है इक्वली ट्रीट हुआ है, या दोनों ग्रुप को जो है ब्रिटिश रूल के आने के बाद से
बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है. सो वी कैन कंक्लूड दैट द पैस्टोरल कम्युनिटीज़ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर अफेक्टेड इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज ड्यू टू चेंज इन द मॉडर्न वे. तो आपने इसको समझा कि कैसे ये अफ्रीकन कम्युनिटीज़ जो हैं वो इनको इनके इनके साथ अलग अलग तरह से इनको अफेक्ट इनको किया गया. न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स अफेक्ट द पैटर्न ऑफ देयर मूवमेंट. इनके जो भी नए लॉ बनाए गए, बॉर्डर्स बना दिए गए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, वो इनके मूवमेंट को कैसे अफेक्ट किया. विद इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मोबिलिटी पैस्टरलिस्ट फाइंड डिफिकल्ट टू मूव सर्च ऑफ पैस्चर्स. जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए, इनकी मोबिलिटी कम होती गई, पैस्चर्स की तलाश में ये कम होते गए, इनके एनिमल्स जो है धीरे धीरे डिसअपियर होते चले गए. एज पास्चर लैंड डिसअपियर ग्रेजिंग बिकम अ प्रॉब्लम वाइल पैस्चर दैट रिमेन डिट्रॉट थ्रो कंटिन्यूस ओवर ग्रेजिंग. अब धीरे धीरे इससे प्रॉब्लम ये आने लगी कि इनके जो एनिमल्स हैं उन्हें कम कर किया जाने लगा. बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉडर टाइम ड्रॉट बिकम टाइम ऑफ क्राइसिस व्हेन कैटल डाई लार्ज नंबर. पैस्टरलिस्ट डू अडॉप्ट अ न्यू टाइम. और बाद में क्या हुआ कि जो ये जो पैस्टरलिस्ट थे इन्होंने अपने आप को चेंज किया. इनका जो एनुअल मूवमेंट था वो चेंज हो गया. इनके जो कैटल्स थे उन वो रिड्यूस देयर कैटल नंबर्स, प्रेस फॉर राइट्स टू एंटर न्यू एरियाज, एक्सर्ट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू रिलीव सब्सिडी एंड अदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट एंड डिमांड राइट इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज. अब धीरे धीरे जब ये एक जगह सेटल हो गए तो गवर्नमेंट के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने लगा कि इनको इनकी रिलीफ के लिए सब्सिडी इनको प्रोवाइड किया जाए, इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ, फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज में इनके लिए कुछ वो प्रोवाइड किए जाएँ. सो स्टूडेंट्स, लास्ट में आप समझेंगे कि जो भी इनके दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड. अब ये वो लोग थे जिनके पास अपना कुछ नहीं था इन मॉडर्न वर्ल्ड में. इनके पास अपने लिए कुछ नहीं था, इनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, अपना कुछ खेतीबाड़ी नहीं था कि ये सर्वाइव कैसे करें. तो गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बढ़ने लगा. एनवायरमेंटलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट हैज़ इंक्रीजिंगली कम टू रिकोगनाइज द पैस्टरल नोमैड्स इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज़ परफेक्टली सूटेड टू मैनी हिली एंड ड्राई रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर.